ये बकरियों की है, ये उल्लू की, ये गिलहरी की। ओ ग्रिजली, अभी देखता हूँ। गुड नाइट ग्रिजली। ओ हाय छोटे ग्रिजली। ग्रिजली ब्राउन कलर के होते हैं। मुझे एक बात पता चली, मांसाहारियों में पैंडा के चबाने के दांत सबसे बड़े हैं। हे क्या तुम्हें पता था कि ग्रिजली बेयर्स ब्राउन कलर के होते हैं? हाँ, आइस बेयर्स के खास पंजे उन्हें बर्फ में फिसलने नहीं देते हैं। मुझमें कुछ और भी खास होगा। आइस बेयर्स सबसे बड़े। क्या तुम दोनों ये कर सकते हो? हाइबरनेट, वही ना जब जानवर सर्दियों में सोते हैं। हाँ, लगता है पैंडा हाइबरनेट नहीं करते, आइस बेयर्स करते हैं। फीमेल आइस बेयर्स। मतलब हाइबरनेशन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। एक लंबी सी छुट्टी सिर्फ मेरे लिए। ओ ग्रेस, जंगल में रहने वाले भालू हाइबरनेट करते हैं। पहले तो तुम कभी सर्दियों में सोए नहीं और फिलहाल तुम ठीक ठाक हो। एक मिनट, ये कौन सा महीना? जनवरी, यानी सर्दियां। हाँ। मैं तो लेट हो गया। ग्रेस, क्या तुम सचमुच 5 महीनों के लिए सोने वाले हो? हाँ, हाइबरनेट करने के लिए मुझे अभी से खाना शुरू करना होगा। हाँ। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ, मेरा पेट बड़ा हो चुका है, आगे क्या करना है? भालू अपनी गुफा के लिए नर्म चीजें कलेक्ट करते हैं। नर्म चीजें? गाना गाना मेरे पास की बात नहीं। टॉवल कहाँ चला गया? मेरी सारी चीजें कहाँ चली गई? मिस्टर पेंगुइन, पैंडा तंग मत करो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ग्रेस, ये मेरी चीजें हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। सॉरी भाई, पर मुझे ये चाहिए, मुझे पूरे 5 महीने सुना है। तुम दोगे ना? नहीं, नहीं दूंगा। तुम 5 महीनों के लिए मेरी चीजें नहीं रख सकते। और जरा देखो तुमने ड्राइंग रूम का क्या हाल बना दिया। आइस बेयर को ये हाइबरनेशन पसंद नहीं आ रहा। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हारी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओ, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, जब ग्रिजली बेयर का हाइबरनेट करने का वक्त आता है तो उसकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है। बस भी करो, हमें तुम्हारे हार्मोन्स के बारे में नहीं जानना। एक हद होती है ग्रेस, हम तो इस तरह अपनी खूबियों को लेकर बावले नहीं हो जाते हैं। आइस बेयर बावला हो गया तो समझो दुनिया ओवर। मेरी बात मानो और ये सब भूल जाओ, हम जैसे जीते थे वैसे ही जिएंगे। ओके, अब मैं समझ गया हूँ, तुम दोनों जल रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं अपना हाइबरनेशन कहीं और कर लूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम दोनों जल कुकड़ों से बहुत दूर, हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर थोपते हैं। गुड नाइट। बढ़िया। मुझे भी दो ना। मैं अकेला ही खुश हूं। चलो शुक्र है, अब सबसे आसान काम करना है। सोने का टाइम। बाय, गुड नाइट मिकी चैन, जून में मुलाकात होगी। मैं सो नहीं पा रहा, मुझे सुना ही होगा। मेरी मदद करो, मुझे लोरी सुनाओ मिकी चैन। ओह।